हमारा गुड़ रोटी गुड़ अरसा कितना अच्छा बना है, आपको तोड़ के दिखा रहे। देखिए अंदर तक पक चुका है, कितना ही स्वादिष्ट बना है। देखिए चलिए दोस्त, आज हम लोग अरसा रोटी गुड़ रोटी बनाते हैं। चलिए चावल को भींगने के लिए दे देंगे, थोड़ा सा चावल भींग जाएगा उसके बाद हम लोग गुड़ रोटी बनाएंगे। इसे कूट के इसे पानी डाल देते हैं, इसे फूल जाएगा थोड़ा देर, फिर इसे हम लोग छान लेंगे अच्छी तरह से। ये अरवा चावल है व्हाइट राइस, इसे 5-10 मिनट भींगने देते हैं उसके बाद छान लेंगे। देखिए दोस्त, हम लोग चावल फूलने के लिए दे दिए थे, 15-10 मिनट हो गया है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, छाप लेंगे उसके बाद इसको पानी पूरा निखार कर फूट लेंगे। ज्यादा इसे नहीं फुलाना है, थोड़ा सा फुलाना है 10-15 मिनट, ज्यादा फुलाने से गीला हो जाए। फिर इसे हम लोग ओखली में कूटेंगे और ऐसा रोटी बनाएंगे गुड़ रोटी। सारा पानी निकल गया है, हम लोग सूखने रखे थे, ये थोड़ा सूखा सूखा हो गया है। चलिए अब इसको ये ओखले में पीसेंगे, इसमें डालेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे, फिर इसको हम लोग चलने में चाल के फिर अरसा बनाएंगे। से कूटेंगे सारा को और चलने में चलते जाएंगे, उसके बाद पीठा ऐसा बनाएंगे पीठा पैदा। इस तरह से कूट के पीठा भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन आज ऐसा बनाएंगे जिसे तेल में छानते हैं। पीठा को तेल में छानना नहीं पड़ता, उसे भापना पड़ता है भाप से। देखिए दोस्त, ये कुटा चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको निकाल लेते हैं चालने के लिए, इधर नुकीला इस साइड से ऐसे करेंगे ताकि वो जमक गया, नीचे पूरा चिपक गया है, इस तरह से छुड़ा लेंगे। तरह से चाल लें, देखिए कितना महीन से निकल रहा है। सभी को इस तरह से चाल लेते हैं। चलिए फिर इसे कूटेंगे तो बच जाएगा उसे, इसी तरह से सारा को चाल लेंगे। चावल कूट रहे हैं खल में, इस तरह से कूटना पड़ता है। ये अरवा चावल है, इसे भिंगा के धो लिए। इस तरह से डाल के फिर चलेंगे चला।
अच्छा घर जा रहा हूँ। हाँ दोस्त, हम लोग कूट लिए पूरा चावल को। चलिए अब इसको चाल लेते हैं, लास्ट हो गया, खत्म हो गया। देखिए हम लोग इतना चावल कूटे हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर महीन सा हो गया है। चलिए अब इसको ऐसा बनाते हैं, गुड़ रोटी, गुड़ के साथ ऐसा। चलिए चुनाव में ऐसा बनाएंगे, ये गुड़ से बनाएंगे, ये गोल गोल गुड़ है, देख सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्त, आज हम लोग लकड़ी चूल्हा में ऐसा बनाएंगे। इसमें एक भगोना बैठा दिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गुड़ को पकने में आसान हो। ये गुड़ है, गोल वाला गुड़ है, इसे अच्छा बनता है। इस तरह से तोड़ ले और पानी में डाल दे, जब ये खोल जाए तब उसे ये चावल पीस के रखे, उसे डाल के बनाएंगे। ये व्हाइट राइस का चावल है, अरवा चावल, देसी चावल है घर का। इसको अब इसमें डाल देंगे, इसको तोड़ के डालेंगे तो जल्दी ये पक जाएगा। दूध का खाने में अच्छा रहता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। देखिए दोस्त, हम लोग ऐसा में सौंफ डालेंगे फ्लेवर के लिए, सौंफ और किशमिश। इसको कट कर लेंगे, गड़ी है इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। और ये व्हाइट तेल है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, गड़ी छुआड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही चीज डालेंगे। इसे खाने में, अभी ठंडा में तेल खाने से गर्मी आ गया, इसलिए तेल खाना अच्छा है। चलिए हमारा गुड़ पक चुका है, अब इसे कैसे जानेंगे हम कि गुड़ पक चुका है या नहीं, या बनने के लिए तैयार है या नहीं। चलिए हम इसको बताते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिएगा भगोना में, इस तरह से डालिएगा तो गुड़ नीचे बैठ जाएगा, तो समझ जाइए कि ये बन गया। देखिए वो जहाँ पे टपका वहीं पे बैठ गया है, फैला नहीं है, ये बन गया, तैयार हो चुका है। चलिए अब इसमें हम लोग डालेंगे चावल का आटा को। हम लोग जो चावल का आटा पीस के रखे हैं, इसको हम लोग चावल गोड़ी बोलते हैं। ये व्हाइट राइस का है, अरवा चावल, ये देसी चावल का है। इसको अब हम लोग इसमें डाल के चलाएंगे, तब ये पक जाएगा अच्छी तरह से। फिर इसे हम लोग गुड़ रोटी है ऐसा बोल सकते हैं। गुड़ से पका है, खाने में ऐसे चलाते जाइए, बीच में डोर नहीं बनना चाहिए। कंटिन्यू इसे चलाते रहे, तो ये अंदर में अब गुड़ कम बेसी कर सकते हैं। हम लोग तीन पाव गुड़ का बना रहे हैं, 2 केजी चावल पीसे। इसमें हम लोग सौंफ, गड़ी और किशमिश डाल रहे हैं। गड़ी को हम लोग कद्दूकस किए हैं और किशमिश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, इसे हम लोग डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। आंच धीमी ही रखें, ज्यादा आंच नहीं रखना। हम लोग इतना ऐसा बना चुके हैं, देख सकते हैं कितना ही सुंदर सुंदर बना है ये ऐसा रोटी। देखिए हम लोग बना के लास्ट कर लिए, खत्म हो गया बना के। देखिए कितना ही सुंदर सा बना है, आपको तोड़ के दिखाते हैं, अंदर तक पका हुआ है, देख सकते हैं तेल व्हाइट व्हाइट, खाने में भी बहुत टेस्टी। चलिए आज के लिए इतना ही, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चलिए खा के आपको बताते हैं कैसा इसका स्वाद।
बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी बनाए खाए। आप पूरे बिठा लेके तो मैं ये वाला खा के दिखाऊंगी। अच्छा है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।